بہٕ اوسُس وایہِ دِل کِس یادِ تھزرَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ گُمسُم بہٕ اوسُس وایہِ دِل کِس یادِ تھزرَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ گُمسُم تہٕ تِم یاد اوسُس دَکلالبُن مےٚ دوٚپ شاید چھُ یارَس آداب مےٚ دیٖوا نظیٖر افسر کا آپ سب کا خیر مقدم اس لائیو پروگرام میں کر رہی ہوں میرا تعلق صفا قدل سے ہے برابر اسی علاقے سے جہاں سے ماتا ربوانی کا ہے صفا قدل کے ساتھ मेरी गहरी यादें जुड़ी हैं इसी इलाके में मेरा जन्म हुआ है और मेरी परवरिश भी सफा कदल ने ही मुझे समाज में जीने के काबिल बनाया वाव ब्यन ब्यन तनाव छुसकुनी ओठन अंगन छुस अकुई पाई लाई पवन अहम छुई पानस मानुन तपानस निश्छुई दाई सफा कदल ने मुझे हमेशा राहत बख्शी है इसी इलाके की अगर बात करें तो इस सफा का दिल ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है जी मैं बात कर रही हूँ माता रूप भवानी की डीपी धर की निर्जा मट्टू की प्रोफेसर जी एन अहंगर की आयशा जुतशी गोपीनाथ धर की वगैरह माता रूप भवानी के साथ मेरा सफ़र 2006 से हुआ है कुछ यूँ हुआ कि मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आप रूप भवानी पर कुछ लिखिए क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि रब भवानी कौन है मेरा सवाल कुछ अजीब सा था फिर ख्याल आया मुझे कि मैं कॉलेज मैगज़ीन के लिए कुछ लिखूं और मैं कॉलेज मैगज़ीन के लिए लिखने के लिए तैयार हो गई और जब मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में चेक किया तो वहाँ कोई रब भवानी पे किताब नहीं थी ये एक अलमिया था मेरे लिए क्योंकि मेरे इलाके की एक बड़ी शायरा थी एक बड़ी जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं घुनमात थी तो वो उनके बारे में कोई किताब मुझे नवा कदल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नहीं मिली घर मायूस में आई और अपने वालिद से मैं मुखातिब होकर पूछा कि इस नाम से तो कोई किताब नहीं मिली उन्होंने अपने जवाब से मुझे नवाजा और फौरन कहा कि कलम और कागज़ लाओ मैं बताऊँगी कि रब भवानी कौन थी रब भवानी एक गुणमात है जिसको हम अपने गुरु मानते हैं चलो जी आप एक लिखो तो अपने जो टॉपिक है आपका तो उस पर आप लिखो मैंने इलाके चा गुमनाम शायरा मेरे इलाके की एक गुमनाम शायरा इस आर्टिकल को छपाने के बाद मैं खुद को नहीं रोक पाई यूनिवर्सिटी में जब मेरा दाखिला हुआ तो एमए कश्मीरी के डिपार्टमेंट में मैं गई और जब हमारा निसाब हमें मिला सिलेबस मिला तो सिलेबस में मैं चेक कर रही हूँ कि रब भवानी है क्योंकि सफा कदल के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक है और मेरे जो इमोशंस जुड़े हैं मेरे सफा कदल के साथ कुछ यूँ समझिए कि मेरा कहना है कि जब मैं मरूँगी तो मेरे ताबूत को मेरे सरजमीन से लिया जाए और उधर ही रोक कर मेरा जिनाजा पड़ा जाए तो क्योंकि इस सरजमीन ने मुझे बहुत कुछ दिया है जब यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमें मिला तो रब भवानी का कुछ नहीं है इसमें तो बहुत हैरान हो गई मैं और मैंने अपने प्रोफेसर से सवाल करने लगी कि क्यों रब भवानी तो इतनी बड़ी शायरा है अगर हम ललदेत के बाद बात करें तो उनका कलाम तो बहुत गहरा है तो क्यों नहीं रब भवानी का इसमें कुछ है बट उनका तो कोई जवाब नहीं मिला और मैंने इकबाल लाइब्रेरी में गई और वहाँ पर चेक किया शुक्र है अल्लाह का कि रब भवानी कि एक किताब मुझे मिली जिसको फौरन मैंने के उनसे वो प्रोजेक्ट अप्रूव करवा के मैंने उन पर एक वो जो बुक है कश्मीरी वाक जो उनके है उनको ट्रांसलेट करवाया खुद किया लेकिन जो तहकीक थी वो अधूरी रह गई तहकीक तो मैं बहुत गहरा करना तो उसके बाद अपने मैंने पता किया कि कहाँ पे मिलेगा रब भवानी के बारे में मुझे और जो इन्फॉर्मेशन है 20 पेज मैंने 2006 में जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी लिखा लेकिन मैंने मेरी जो वो वलवला वो शौक कहीं नहीं रुका क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे और लिखना है तो मेरे जहन में आया कि मैं ढूंढूंगी उन कश्मीरी पंडित को उन धर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मैं ढूंढूंगी जिनके पास इसके बारे में कुछ ना कुछ होगा जो मेरा पहला निशाना था वो था प्रोफेसर निर्जा मट्टू और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो उनके पास था तो उन्होंने मुझे बता दिया
क्या क्या है उनके पास, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि दीपा रूप भवानी, माता रूप भवानी का एक ट्रस्ट है जो कि जम्मू में है, बौड़ी जम्मू में। 2014 जुलाई के महीने में मैंने ये तय करा कि मैं वहाँ जाकर उनसे कुछ मवाद लूँगी, कुछ बुक्स लूँगी जो मेरे आगे के सफ़र में काम आएगा। ट्रस्ट में पहुँची, एक दो महीने के बाद मेरी जो सर्च जो मेरा था, खोज जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं थांडव, मेरा थांडव शुरू हो गया और मुझे एड्रेस मिला बौड़ी जम्मू का। और जहाँ जब मैं वहाँ पहुँची कि मेरी बदकिस्मती से वहाँ पर एक ऑफिस का एक बंदा था, उसने कहा मैडम आपको शाम को आना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का टाइम था। मैं तो एक दिन पहले पहुँची थी जम्मू और सुबह मुझे जाना था ट्रस्ट पे। शाम का टाइम मुझे 6 बजे के करीब उन्होंने दिया, तो वहाँ पर सीएम धर साहब मुझे मिले, बहुत खुश हो गए जब मैंने उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाया जो मैंने सेकेंड ईयर क्लास में किया था। और उनको शायद मेरे शौक का पता चला कि मुझे कितना शौक है रूप भवानी पे रिसर्च करने का। जो उनके पास था उन्होंने मुझे बेहद मदद की, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनको पता चला कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मदियन लड़की हूँ, मैं मुस्लिम गर्ल हूँ और मेरा एक शौक है, क्योंकि ये शौक बढ़ाया सबसे पहले सफ़ा कदल ने और उसके बाद हमारे एमए कश्मीरी में सेलेबस ना होने ने ये एक शौक बढ़ाया। उसके बाद जब मैं जम्मू में थी तो उधर ही मैंने एक तय करा अपने साथ कि मैं इस पे डॉक्यूमेंट्री एक बनाऊँगी रूप भवानी पे। और मुझे कुछ बुक्स से पता चला कि रूप भवानी ने जो मेडिटेशन की है सचिन कर्म, वो 12.5 साल की है उसने। जहाँ जहाँ जन्मभूमि जो बात मैं कर रही हूँ, जन्मभूमि तो मेरे बिल्कुल घर के ऑपोजिट जो गली है वहाँ पर उनकी जन्मभूमि है, जहाँ से मेरा बचपन गुजरा है उसी गली में मैंने पाया जन्मभूमि। उसके बाद जब मेरा सफ़र डॉक्यूमेंट्री हो गया तो कुछ बुक्स मुझे पढ़नी पड़ी, नीरजा मैम से मुझे बात करनी पड़ी, कुछ धर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात की मैंने, तो पता चला कि कलंदर के साथ वो उनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है, बहुत ज़्यादा हम कलाम हुई है वो, क्योंकि शाह कलंदर भी उसको अपना नजराना पेश करते हैं अपने फ़ारसी वाक में। उसके बाद ये तय किया कि मैं 5 जगह जाऊंगी, चाहे लार है, वास्कुरा है, मनीगाम है या चश्मा साहिबी है या जन्मभूमि की बात हम करें। डॉक्यूमेंट्री के एक दिन पहले, कवरेज के एक दिन पहले मैंने सोचा चलो मैं सफ़ा कदल जाती हूँ, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि जन्मभूमि किस गली में है, क्योंकि मेरा जो आइडिया था वो थोड़ा सा उधर इधर था। जहाँ पे स्कूल है विद्या भवन, मुझे शायद पता था कि वही है जन्मभूमि, मैं पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गई। लेकिन किसी मुस्लिम दुकानदार ने मुझे कहा कि बेटा आप गलत आए हो, आप फलां जगह बिल्कुल मंदिर के ऑपोजिट एक गली है, वहाँ जाओ। और मैं हैरान हो गई कि इसी गली में मेरा बचपन गुजरा है। और मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पर मैं ताला देख रही हूँ दरवाज़े को, जन्मभूमि की ताले को, दरवाज़ा को बंद देख रही हूँ। तो इसके बाद एक पड़ोसी निकली वहाँ पे, उन्होंने बोला कश्मीरी में, घुबरा तो ये महारा क्या छू छांडान, तो मैंने उसको यहाँ से बोला बहस छांडान, ये तो कुल्फुक कुंस कमी सतासी या मैं कुल्फिच कुंस कमी सतासी, ये चाबी किसके पास होगी। उसने कहा बस हमें कोच किंची रोजान पजनू सब, उस गली से रहता है पजनू जी, उनके पास जाओ। यही कोई शाम के 8 के करीब मैं पजनू साहब के घर, पजनू जी के घर गई, अल्लाह उनको जन्नत में जगा दे, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई, तो उनके साथ भी ताल्लुकात मेरे रहे हैं रूप भवानी के सफ़र में, बहुत मदद दिया है उन्होंने मुझे। तो मैं वहाँ पहुँची तो बड़े खुश हो गए, बोला बेटा अभी आपको कवरेज लेनी, मैंने कहा अंकल नहीं अभी तो नहीं, बस मैं कल अपने कैमरा मैनों के साथ आऊँगी। जब इन्होंने ये दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी कैफियत मुझ में आ गई कि जब मैंने वो जन्मभूमि का वो जो मलबरी ट्री है वहाँ पे, लेकिन पूरा घास से भरा था, एक दिल मेरा जो है वो आज़ुर्दा हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने वो घास मैं शुरू करा, मैंने खुद वो काटना, पजनू जी ने बहुत हेल्प की। और हैरान तो वो बात थी कि जब मेरे कैमरामैन भी घास काटने लगे, बोला मैडम
हमें कुछ हो रहा है, ये तो बहुत गर्म जगह है। तो मैंने कहा ये तो आप मत चाहो कि ये रब भवानी नाम है, ये तो समझो कि मुसलमानों की ये ज़्यादा गुरु रह चुकी है, मुसलमानों पर इनका बड़ा हाथ रहा है। तो वहाँ पे सफाई होकर हमने कवरेज वहाँ से ले ली और बहुत कुछ पजनू जी ने बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे दी। और इसके बाद हम लोग लार चले गए, जहाँ मेरा अगर कुछ रहा था थोड़ा सा दिल, तो वो बिल्कुल आज़ुर्दा फिर से होने लगा लार में, क्योंकि लार की हालत भी मैंने बहुत गमज़दा पाई। वहाँ पर पता चला कि कोई पंडित रहता है सतीश जी करके, उनको घर से निकाला और उनके साथ वो कवरेज ले ली वहाँ से, जहाँ पे 12.5 साल रूप भवानी ने मेडिटेशन शुरू की है। उसके बाद मेरा सफ़र जो शुरू हुआ, उसके बाद हम बिल्कुल ही एक ही दिन में सफ़र हमने तय किया, ये शायद उन्हीं की एक करामात मेरे साथ होते गए उस दिन, मुझे पूरा याद है। और उसके बाद हम मणिगांव चले गए, जो मणिगांव में उनका जो श्राइन है बहुत अच्छा पाया मैंने, मंदिर है बहुत अच्छा पाया, क्योंकि वो मेंटेन था। वहाँ से कवरेज लेकर हम लोग सीधे वास्कुरा चले गए। वास्कुरा में छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आना और सेम उनको भी यही एक फीलिंग आ गई कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, या तो मैं दिल्ली से आई हूँ, या तो मैं जम्मू से आई हूँ, या तो मैं किसी और शहर से आई हूँ हिंदुस्तान के। लेकिन जब उन्होंने पूछा बेटा आप कहाँ से, तो मैंने कहा मैं सफ़ा कदल से हूँ, क्योंकि चूँकि मैं तो रहती हूँ किसी और जगह, लेकिन सफ़ा कदल के साथ जो एहसास है वो कभी कम नहीं हुआ है। और रब भवानी ने तो बहुत जोड़ के रखा मुझे अपने इलाके के साथ। वहाँ से जो केयर टेकर है, गुलाम अहमद शायद उनका नाम था, उन्होंने बड़ी हेल्प की। हम तीन लोग थे, मंदिर का दरवाज़ा उन्होंने खोला, पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी। और हम लोग सिर्फ कवरेज के लिए आए थे और वहाँ से वो कवरेज मैंने ले ली। वहाँ मंदिर के बीचों बीच तीन सेब मिले हमें और वो कहता है मैडम आप देखिए कि आप किस्मत वाले हो, बस तीन लोग हो और तीन सेब यहाँ पे मिले। तो वो तीन सेब लेकर हम लोग, इसके बाद मुझे कैमरामैन कह रहा है मैडम अब तो बहुत देर हो गई, शायद अब जो आपकी लास्ट कवरेज है वो शायद हम नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी होती है, चलो देख लेते हैं चश्मे शाही भी में क्या है, चलो हम जाते हैं। जो ही हम गए तो वहाँ पर एंटर हुए, वहाँ पे वो जो म्यूज़िक होता है वो बहुत दिल को भाने वाले म्यूज़िक वहाँ पे चलता है। तो वहाँ पर हमने कवरेज ली और वहाँ पे जो BSF के साथ मुंसलिक लोग हैं उन्होंने उसको बहुत मेंटेन करके रखा है। और वहाँ पे वो पानी की वो लहरें वो बहुत कुछ बताती थी। तो मैंने कहा मैं कुछ देर यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा सोच लूँ, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा। और वहाँ से कवरेज लेकर मेरे कैमरामैन कहते हैं मैडम हमने तो बहुत अच्छा किया कि हम यहाँ कवरेज लेकर आए। डॉक्यूमेंट्री जब मैंने बनाई, जिन पे बनाई, माता रूप भवानी जो कि एक औरत है, जिसने बनाई मैं दीबा नज़ीर एक औरत हूँ, और जिसने एडिट किया वो भी एक औरत थी जिसका नाम इकरा है, उसने एडिट किया। और जिसने डॉक्यूमेंट्री के बारे में बोला प्रोफेसर निशा मटू, प्रोफेसर नसीम शफाई। तो ये भी एक अपने आप में करामात थी कि रब भवानी पे ऐसा काम करना। 59 मिनट्स की वो डॉक्यूमेंट्री है। और उसी साल अक्टूबर के महीने में मैं ट्रस्ट फिर से चली गई और ट्रस्ट वालों को मैंने वो दिखाई, तो बहुत उन्होंने सराहा, क्योंकि हो सकता उसमें कमी होगी लेकिन आगे वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद मेरा जो सफ़र है, इसके बाद वहाँ पर मुझे कहने लगे कि अब क्या, अब मैंने खुद से सवाल किया क्या तहकीक रुक गई मेरी, जो रब भवानी पे मेरी तहकीक मैंने शुरुआत की है 2006 में। तो अंदर से एक आवाज़ आई नहीं, अभी और आगे बढ़ना है। और वास्कुरा भी गई, नरेंद्र सफाया जी पूछ रहे हैं कि वास्कुरा आप गए, जी वास्कुरा भी गए, पांचों जगह गए हम लोग, जन्मभूमि, चश्मा साहिबी, वास्कुरा, लार एंड मणिगांव। वास्कुरा की बात ही कर रही हूँ कि जहाँ पे तीन से जो केयर टेकर वहाँ पर है मुस्लिम,
उनके साथ बात की। कुछ बच्चे वहाँ पर बहुत सारे आए दौड़ते दौड़ते, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है कि मलिक ख़ानदान का एक जो था वो ब्लाइंड था, फिर कैसे उनको माता रब्बवानी ने कहा कि खनवट खोड करो, अपने इनसे खोदो ज़मीन को, और वहाँ से पानी निकल आया और वो कुआं अभी भी वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होने के बाद एक बहुत एक सवाल आया अंदर से कि क्या तहकीक रुक गई, लेकिन शायद नहीं। वो जो शौक था, वो जो प्यार था, वो शायद ख़त्म नहीं होने वाला था। इसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी, पहले किताब तो ट्रांसलेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री, और उसके बाद जो मैं दूसरी किताब है मिस्ट्रिज़्म ऑफ रब्बु भवानी। इसके लिए मुझे किश्तवाड़ जाना पड़ा, इसके लिए मुझे मटन जाना पड़ा, इसके लिए मुझे डोडा जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दर ख़ानदान के लोग, दर ख़ानदान से मुंसलिक लोग हैं वहाँ पे जिनसे मैं मिली, लेकिन वो अभी वो जो किताब है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसका सफ़र अभी जारी है, वो मैं अभी लिख रही हूँ। लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कि एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री मैं बनाऊँ जिसमें सिर्फ लोग बात करें माता रब्बु भवानी पे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कश्मीरी पंडित्स हो, जिनके साथ उनका, जो उनको मानते हैं, जो उनको जानते हैं, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री मैं बनाना चाहती हूँ। क्योंकि हम 90s बॉर्न बच्चे जो है, मतलब जवान जो है इस बार, अगर जो हम 90s में पैदा हुए हैं, हमने वो चीज़ नहीं देखी। मैंने वो जो, मैंने सिर्फ बंजर देखे रब्बु भवानी के जन्मभूमि पे, जो मुझे, जिस चीज़ ने मुझे मेरा दिल बहुत आज़ुर्दा कर दिया, क्योंकि रब्बु भवानी का देना पूरे सफ़ा कदल के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे कश्मीर की अगर बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, चाहे पूरे दुनिया की बात करें, उसके जानने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन कुछ शायद मुझ में ही कमी थी कि मैं नहीं कर पाई वो शौक पूरा, कि जहाँ पर हम पढ़ाया जाए, मेरी जिस दौर से मैं गुजरी हूँ कि मुझे लिखना पड़ा, मैंने इलाके चा गुमनाम शायरा, मेरे इलाके की ये गुमनाम शायरा, वो मेरे बच्चों को नहीं करना पड़े, वो हमारे बच्चों को नहीं करना पड़े। अगर वो ढूंढे गूगल से रब्बु भवानी, तो उनको सारा मवाद मिलना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रोफेसर नीरजा मट्टू को, जो अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में जिन्होंने ट्रांसलेट किया है वाक़ को, रब्बु भवानी के वाक़ों को, बहुत असर है, बहुत गहरा असर है उनके वाक़ों में। बहुत मिन्नत है हम मुसलमानों पर भी और हिंदुओं पर भी उनकी, एटलीस्ट हमारे बच्चे उनको पढ़े। कुछ मैं रखना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उनके पास कुछ तो रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सफ़र मेरा जो है वो रब्बु भवानी के साथ शुरू हुआ, जो कि अभी अभी भी जो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको मैं ये कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ, और इनफैक्ट मैं सुनाती भी हूँ। मेरे क्लास में एक बार एक किस्सा ऐसा हो गया कि मेरे चेयरमैन मेरी क्लास में आ गए, क्योंकि मैं टीचर हूँ पेशे से, मैं कश्मीरी पढ़ाती हूँ, और चेयरमैन मेरी क्लास में आए तो उन्होंने कहा होली प्लेसेस के नाम बोलो मेरे बच्चों को। तो एक बच्चा, मुस्लिम बच्चा उठा, उसने बोला दरगाह, खीर भवानी साहिब, बाबा शकूरुद्दीन, साथ में उसने कहा था जन्मभूमि, और उसको मेरे चेयरमैन ने उधर ही पकड़ा, बेटा आप बताओ जन्मभूमि आपने कहाँ से सुना है, क्योंकि जन्मभूमि तो ज़्यादातर लोगों को, शायद ही अगर सफ़ा कदल में ही वहाँ रहते हैं हमारे 90s में पैदा होने वाले बच्चे, उनको भी शायद पता नहीं होगा कि जन्मभूमि क्या है। सो, मुझे भी जब मैं छोटी थी, जब मैंने सुना 2006 में रब्बु भवानी है हमारे इलाके की, तो मुझे बिल्कुल ख्याल आया जो वो मंदिर है, शायद उसी मंदिर में रहने वाली शायद रब्बु भवानी थी। और जब मैंने पाया अपने सफ़र में, अपनी तहकीकी सफ़र में, अपने रिसर्च सफ़र में, जब मैंने देखा तो रब्बु भवानी थी जहाँ पे उनकी, जहाँ वो पैदा हुई है, और जहाँ उन्होंने अपने आखिरी जो टाइम है वहाँ बिताया। और आने वाले बच्चों को
पता होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसमें तो वो चीज़ नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को एक मोटो सिखाए, किसी के मज़हब को ना छेड़ो, अपने मज़हब को ना छोड़ो, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चों में एक वो एक एहसास आएगा और जानने का कि हमारे कश्मीर में कितने बड़े घुनमात पैदा हुए हैं। अगर 16th century की बात करें तो मिस्टिज़म में रब्बवानी का रब्बवानी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान को। जो भी ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सीखने में ये तो नहीं है कि कश्मीरी सब्जेक्ट है या कोई और चीज़ है। ये सिर्फ हिस्ट्री जानना, ये तो हर किसी, चाहे साइंस स्टूडेंट हो, चाहे सोशल साइंस पढ़ता हो, चाहे उर्दू पढ़ता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे कश्मीर की हिस्ट्री में रब्बवानी भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जिस तरह से ललदत का नाम लिया जाता है, उसी तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि रब्बवानी का भी नाम आए। गूगल पे हमें बहुत अहद कर रहे, चलो हम आज अहद करते हैं कि रब्बवानी का नाम हम बहुत फैलाएं अपने स्कूल्स में, क्योंकि आज भी मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मैं सेल्फ रिसर्च कर रही हूँ रब्बवानी पे, और जो टॉपिक है मिस्टिज़म ऑफ रब्बवानी, उसकी सूफ़ियत मैं देख रही हूँ, सूफ़ी शायरी कि उसमें किसके साथ उनका कंपैरिजन हो रहा है, तो उस पर मैं बात कर रही हूँ, उस पर मैं लिख रही हूँ अभी। और मुझे आप जैसे लोगों का, जो भी मुझे देख रहे हैं माता रब्बवानी ग्रुप में, आप लोगों का मुझे, काश ये ऐसा होता कि 2006 में आप लोग मुझे मिलते तो शायद मेरा रिसर्च बहुत पहले कंप्लीट हुआ होता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा ये सफ़र है ये आप सबको पसंद आया होगा, और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने। और अगर हम बात करें रब्बवानी की किताबों पर, तो तहकीक करके तो ये मालूम पता चलता है कि शाह कलंदर ने कैसे उसको नजराना दिया फ़ारसी शायरी से। वो कहते हैं, आरफ ज़ात आ अलग अवतार, काबिल अंसरी खे शिकस्त, गर्द दरवाजे सोए अर्श अजीम, बाद नेक बरहमत तस्पियोस्त। वो आरफा खुदा की नेक बंदी थी जिसके नाम अलग, जिसका नाम अलग था, इस दुनिया से रुखसत हुई और उसकी रूह अर्श की ओर रवाना हुआ, और इसकी आत्मा उसके साथ मिली जिसको वजूद वहदत बोलते हैं। चूंकि हम सब जानते हैं कि रब्बवानी अपने बाप से मुतासिर हुई है, पंडित माधुजोधर से, लेकिन एक तहकीक है मेरी कि सफ़ा कदल की जितनी भी बेटियां हैं, क्योंकि मैं बेटी जो हूँ मैं सफ़ा कदल से बहुत, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने इमोशंस जुड़े हैं अपने इलाके के साथ मुझे। अगर हम बेटियों की बात करें सफ़ा कदल में, शायद ये रहा है रब्बवानी के टाइम ही, जब बेटियों के जो मुतासर किया है अपने बाप से मुतासर हुई है, और बहुत सारी बेटियों के जो उस्ताद है वो रहे हैं अपने ही वालिद। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने रब्बवानी पर ये काम किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी आने वाले वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक करूँ उन पर। फिर अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।